हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली जीएल क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीकॉम सेम टू स्टेट के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बीकॉम सेम टू चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट और उसका सम नंबर है 8। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मेरी छोटी सी आपको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। बीकॉम सेम फोर के बारे में अगले कई वीडियो में बना चुका हूँ और GST ईवे बिल टैली ERP 9 के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके पहले अभी थोड़े दिन पहले ही ईवे बिल में थोड़े चेंजेस आए थे, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे बीकॉम सेम टू स्टेट के चैप्टर नंबर फर्स्ट और सम नंबर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है वायव्य खूणानिरीज का जो वाहन व्यवहार का जो चैप्टर है, उसमें हमें ये रकम दी हुई है। आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद आपको यह कोष्टक दिख रहा होगा, ABCD। ये कोष्टक आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा कोष्टक आपको ध्यान से देख लेना है। इसके बाद मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। आपको जैसा कोष्टक दिया था वैसा ही कोष्टक आपको यहाँ पर लिख लेना है। ऐसा कोष्टक बनाकर आपको लिख लेना है। इसके बाद जैसा है पुरोठा जैसा दिया हुआ है, जरूरत जैसी दी हुई है, इसे पुरोठा इधर लिख लिया, जरूरत इधर भी लिख दी, 1 2 3 4 ABCD और रकम जो दी थी 9 7 6 6 12 3 5 8, ये पूरा के पूरा आपको वैसा के वैसा ही सेम एज इट इज़ आपको लिख लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए, वाहन व्यवहार का रीत अगर आपको ढूंढने का बोला हो तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है सम। वाहन व्यवहार का जब भी आपको बोला हो तो आपको यहाँ से सम स्टार्ट करना है। तो मैं बढ़ता हूँ, देखिए ये फर्स्ट है, यहाँ पर हमें पुरोठा यहाँ पर 5 दिया हुआ है, पुरोठा 5 दिया हुआ है और यहाँ पर इसकी ज़रूरियात 4 दी हुई है। तो 5 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिए। ये 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये 4 जो थे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, ये 1, ये हमारा यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर बचता है तो हम यहाँ पर ये वाला एरो करेंगे। ये आपको यहाँ पर ऊपर से छोटा सा एरो ऐसा दिख रहा होगा। तो फिर आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर सिर्फ 1 ही बचा है, तो आपको 1 लेना है। आपने 1 यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर 3 बचेंगे, 3 बचे, 3 बचने के बाद आपको यहाँ पर 0 0 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो आपको नीचे का एरो करना है, जो आपको यहाँ पर छोटा सी दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर यूँ नीचे का एरो आपको करना होगा। फिर आपको यहाँ पर 3 बचा हुआ है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो ये इसको 3 और 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 बचेंगे, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ से कट हो जाएंगे और 3 यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर बचेंगे 3। इसके बाद ये आपको यहाँ पर बचता है तो हम यहाँ पर ये इधर साइड का एरो कर लेंगे और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमारे पास 3 ही बचा हुआ है, तो हम यहाँ से 3 लेंगे और 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर 3 बचेगा। तो नीचे की तरफ बढ़ता है, मतलब अभी है संख्या तो हम यहाँ पर नीचे का एरो कर देंगे और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास सिर्फ ये 2 और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारे पास नीचे बचा हुआ है, मतलब हमने नीचे का एरो किया, यहाँ पर ऊपर की साइड नीचे का एरो किया और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो 9 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 8 यहाँ पर बचेंगे, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे।
एक लिखने के बाद यहाँ पर 8 बचेंगे, यहाँ पर हमारे पास 8 बचे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है तो हम इधर का एरो करके आगे बढ़ेंगे, 8 और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे और यहाँ पर 6 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से हमारे पास बचता है तो हम यहाँ पर इधर का एरो कर देंगे, 8 में से 6 8 में से 2 चली गया मतलब 6 हमारे पास बचा, 6 में से ये 4 हमारे पास से चला जाएगा, 6 में से 4 चले जाएगा तो हम 4 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर हमारे पास बचा सिर्फ 2, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बचा। तो हम फिर से इधर का एरो कर यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर अभी लास्ट में 2 बचा है तो 2 और 2 यहाँ पर 2 लिख लिया हमने और ये हमारे पास 0-0 हो गया सब बाजू से। अब मैं बात करूँ तो ये टोटल ये 22 है, ये टोटल इसका है, ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल और ये इसका और ये इसका टोटल और ये सब का टोटल, इसका टोटल और ये इसका टोटल आपको मैच होना चाहिए। ये देख लिया आपने, ये छोटा सा सम था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो आप नोट और पेन लेकर आप डायरी में नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ, तो आपको थोड़ा बहुत और भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 जगह 0-0 हो जाना चाहिए, मतलब लास्ट में यहाँ पर 2 बचा है तो लास्ट में इधर भी 2 बचना चाहिए, ये लास्ट कॉलम में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इम्पोर्टेंट लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।